मार्केट जब गिरता है और उसका साथ साथ जब स्टॉक गिरता है तब भी इन्वेस्टर लोग का जिस तरीके से रातों का नींद उड़ता है ठीक उसी तरह मार्केट जब बढ़ता है और स्टॉक का प्राइस जब बढ़ता है और ब्रेकआउट देता है ठीक उसी तरह इन्वेस्टर का भी रात को नींद हराम होता है। तो आज वही हुआ है उन इन्वेस्टर के लोग के साथ जो आज डॉक्टर रेड्डीज़ शेयर में इन्वेस्ट किए हैं। तो चलिए आज उसी शेयर में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस, मेरा नाम है मिथुन दास और मेरा चैनल का नाम है मनी डीम और यहाँ पे नॉलेज नहीं एक्सपेंस बोलता है। तो देखिए आज जो डॉक्टर डी जो रन दिया है उसका जो पैटर्न बना है उसका जो ब्रेकआउट दिया है उसका प्राइस जो नीचे की तरफ 2200 ऊपर की तरफ 3200 ये जो ब्रेकआउट है ये लाजवाब ब्रेकआउट है। और यार इसके बाद ये शेयर कहाँ तक जा सकता है, इसका क्या क्या होने वाला है इस शेयर के अंदर, ये हर डिटेल्स में आपके साथ में अभी डिस्कशन करने वाले। उससे पहले मेरा तरफ से उन लोगों को जो लोग इस शेयर के ऊपर इन्वेस्ट किए हैं मेरा तरफ से और मेरा चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई और कंग्रेचुलेशन। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा कि हम लोग जब इसमें इन्वेस्ट कर इसमें रहते हैं इसमें एनालिसिस करते हैं इनमें इन्वेस्ट करते हैं जब गम में भी आपका साथ रहते हैं उसी तरह जब खुशी भी होता है क्योंकि इतना बड़ा ब्रेकआउट जो है खुशी का माहौल बनता है तो उसके साथ उसमें भी आपको साथ बधाई देना चाहिए उसका खुशी को भी बटना चाहिए। तो एक एक परिवार का जैसा है इसमें वो लोग ही रहता है जो लोग दिलदार वाला आदमी होता है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ और नया इन्वेस्टर लोग के लिए जो लोग नया इन्वेस्ट आते हैं उन लोग को एक एग्जाम्पल होना चाहिए। ये जो रन हुआ है इसको भी मद्देनजर रखते हैं। मैं एक चीज़ आपको बोल रहा हूँ, देखिए अगर मान लीजिए कहीं आप घूमने गए हैं और वहाँ पर मान लीजिए आपका 10,000 रुपया फिजूल खर्चा हो गया तो वो जो लोग शेयर मार्केट काम करते हैं वो लोग क्या बोलते हैं मालूम, वो लोग बोलते हैं यार हटाओ ना कल सुबह ट्रेडिंग करके 10,000 रुपये उठा लेंगे। ठीक इस तरीके का सोच वो लोग रखते हैं जो लोग इस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसका दिल अलग होता है, उसका जो एटीट्यूड अलग होता है। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ शेयर मार्केट जो है अलग टाइप का एक मार्केट है, कब गिरता है कब बढ़ता है वो अलग बात होता है। तो इसमें इन्वेस्टर भी अलग होता है। और दूसरा बात है कि एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, देखिए जब भी बड़ा कोई गिरावट आता है मार्केट में 2-3 साल का बाद उसके बाद जब वापस उसका चढ़ाव रिवर्स होता है तो उसमें सर्कल चेंज होता है। देखिए पहले जब 2016 में जो बड़ा गिरावट आया था जो नोटबंदी के टाइम में उस टाइम में जो शेयर का जो एक एक शेयर परफॉर्म कर रहा था, अभी जो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है यहाँ पे देखिएगा अभी सर्कल जो चेंज है, अभी फार्मा सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर बहुत काम आने वाला है, इसका सर्कल चेंज हो गया है। अभी इन लोग का मार्केट आ गया, इन लोग का बुल रन में अभी घुस गए, अभी ये लोग चढ़ने वाला है, ये लोग खेलने वाला है इस मार्केट में। तो ये हो गया सर्कल चेंज। मैं हमेशा वाला बात बोलता हूँ जब भी बड़ा गिरावट आता है गिरावट जब वापस जब मूव लेता है ऊपर की तरफ तब सर्कल चेंज होकर मूव लेता है। तो ये व्यक्ति बोल रहा हूँ तो आज वही से जानना बहुत जरूरी है जो सर्कल चेंज जो हुआ है इसमें जो फार्मा सेक्टर जो काम है उसमें जो डॉक्टर रेड्डी शेयर है वो यहाँ से बहुत ऊपर की तरफ मतलब इतना अच्छा ब्रेकआउट किया है, मतलब इसका जो शेयर पैटर्न उसका जो चार्ट ये जो लोग शेयर मार्केट के ऊपर है जो लोग काम करते जो लोग इन्वेस्ट करते उन लोग का एक सपनों का चार्ट जैसा है, सपनों का रन जैसा है। मतलब आप जो भी क्षेत्र में काम करते हो आपको याद रखिए देखिएगा उसमें कुछ पल कुछ दिन आपका जिंदगी भर याद रहता है। ठीक उसी तरह आज जो डॉक्टर डी जो शेयर जो आज मूव दिया है उसका जो चार्ट पैटर्न बना है ये बहुत इन्वेस्टर का लोग के पास आज उस सपनों का जैसा रहेगा और वो जो दिमाग में बहुत साल तक रहने वाला है वो ये जो चार्ट आज बना है क्योंकि एक बहुत बड़ा अच्छा ब्रेकआउट दिया है। सिर्फ खुद ही ब्रेकआउट दिया है ये बात नहीं है, उसका पीछे भी दो न्यूज़ जो है वो भी पुशबैक किया है। जैसे कि जो 10% वाला जो एक्सपोर्ट तक जो पाबंदी था भारत सरकार की तरफ से वो भी उठा दिया है और उसके बाद जो फंड रेजिंग जो था वो भी इसमें पुशबैक किया है। तो एक बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही एक अलग माहौल बना है इस शेयर के लिए। अब भी इस शेयर यहाँ से मान के चलिए कम से कम अगर 10,000 भी हो जाए तो इसमें आश्चर्य होने वाला कुछ बात नहीं है। देखिए शेयर प्राइस किस तरीके से बढ़ता है मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो नया इन्वेस्टर लोग हैं उसको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, लास्ट तक देखिए आपको इसमें बहुत शिक्षा मिलेगा। देखिए आप मान के चलिए पूरा एक शेयर का ट्रैक कर रहे हैं नया उसे देखने के लिए ट्रैक कर रहे हैं एक देखिएगा उसमें टोटल जो साल है 15 साल में देखिएगा 15 गुना बढ़ा है मान के चलिए। लेकिन आप क्या सोचिए हर साल के एक एक करके गुना बढ़ा है, नहीं 10 साल मान लीजिए 2 गुना होने में उसको 10 साल लग गया उस शेयर को उस कंपनी को, उसके बाद जो 5 साल में है वो देखिएगा उसमें 13 गुना बढ़ गया सिर्फ 5 साल में, मतलब 2 साल में 10 साल में 2 गुना सिर्फ। जब वो बुल मार्केट में आया जब उसका बुल रन शुरू हुआ तब वो छपड़ फार के मारने लगा। मैं आपको एग्जांपल देके बोल सकता हूँ, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर 300 रुपया पार होने में उसको 15 साल लग गया था सिर्फ 300 रुपया पार होने में स्किप को, उसके बाद जब 300 रुपया पार हुआ उसके बाद 8 साल में वो 8 गुना बढ़ा है
अब कुछ 8×3=24 मतलब अभी 2400 ना इतना कुछ रेट चल रहा है, आप देखिएगा 8 गुना हो रहा है। तो यही होता है शेयर को जो मूवमेंट होता है, शेयर का जो बनने का तरीका था इस तरीके से होता है। अब एम एस सच हर साल वो बढ़ते जाएगा बढ़ते बढ़ते नहीं, वो एक ही जगह में उसका जो रेंज होता है वो रेंज में घूमता रहेगा घूमता रहेगा, जब रेंज तोड़ेगा जैसे कि आज 3200 का रेंज तोड़ा है और 3300 का रेंज जो तोड़ा है ऊपर की तरफ जब अभी जाके क्लोज दिया है, अभी कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक जाकर रुकेगा कोई बोल नहीं सकता है। तो जो लोग इनमें इन्वेस्ट है को तो और कोई देखने वाला चीज नहीं है, सिर्फ बैठे रहना है, सिर्फ टाइम को एक्सपेंड करना है, अब देखना है कहां तक ये मूव लेता है। और जो लोग चढ़ने चलती का गाड़ी में चढ़ना चाहते हैं इस शेयर का ऊपर, अगर चढ़ गए और ऊपर से वो आ जाके बैठ गए बस तब तक कोई देखना है, जो करेगा इस शेयर ही करेगा। ये मैं एक्सपीरियंस में आपको बोल रहा हूं, अगर सच में अगर बुल रन है इसका जो सर्कल चेंज हुआ है, अगर बुल रन है अगर तब एक शेयर यहाँ से बहुत दूर तक भागने वाला है। सिर्फ उसका साथ साथ देखे पूरा सेक्टर में जो इकलैब है, सिप्ला है, बाकी जो भी कंपनी है सब मिला के एकदम देखे भागे, जैसे कि एक सेक्टर भाग रहा है, एक अकेले कोई नहीं भाग रहा है, बस दल मिलके एक साथ मिलके भाग रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ ये तो अलग माहौल बना है आज इस मार्केट में, तो ये जानना बहुत जरूरी, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। अब जितना जल्दी उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे उतना जल्दी उसको फायदा मिलेगा, अब अगर दूर में जाकर आइडेंटिफाई करते हैं तब आपको फायदा भी कम होने वाला है। तो मैं एक चीज बोल रहा हूँ, ये मेरा एजम्पशन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। जो नया इन्वेस्टर है वो देख रहे हैं, अगर ये वाला वीडियो अगर देख रहे हैं तो उस जानिए शेयर किस तरीके से भागता है। अभी डॉक्टर डी के शेयर में जो बोला हूँ एक पूरा हाईवे का जैसा उसको मिल गया है, उसका जो जैम था जो 2200 ऊपर 3200 ये जो जैम वो जैम निकल गया, अभी उसका सामने हाई हुए, अभी पता नहीं वो कितना 6 नंबर गियर में देगा और कितना दूर तक जाएगा, कितना दूर जाकर रुकेगा बोलने वाला बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी अप एंड डाउन तो होते ही रहता है, मार्केट का न्यूज़ भी जो है उसका साथ भी चलने वाला है। तो मैं बोल रहा हूँ एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, आप इसको ध्यान में रखिए, लेकिन आप जो भी कीजिएगा अपने एक्सपर्ट का सलाह लेके कीजिएगा, ये मेरा राय है आपका बोलने के लिए, मेरा रिक्वेस्ट है। तो चलिए अगर वीडियो का पसंद आया तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को जरूर लाइक जरूर कीजिएगा, और हो सके तो थोड़ा बहुत शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि वो नया इन्वेस्टर के जानना बहुत जरूरी है कि शेयर का क्या होता है जब बुल मार्केट में आते हैं, जब सर्कल चेंज होता है किस तरीके से सर्कल चेंज होता है, और जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए थोड़ा सा और हो सके तो सब्सक्राइब भी करके रखिएगा मेरे चैनल को। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, बढ़िया से ट्रेडिंग कीजिए।